होगी तो जरूर जाएंगे, उसमें नीतीश क्यों नहीं जाएंगे? ये कहां से सवाल आया कि नीतीश जी उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नीतीश जी इंडिया गठबंधन के सभी बैठक में जाते रहे, उसमें भी जाएंगे। बात यह है कि कंफ्यूजन की बात हो रही है कि इसमें शायद नाराजगी है, इसमें जेडीयू और अन्य दलों में तो लग रहा है कि कुछ नाराजगी। किसने कहा ये कंफ्यूजन तो कहीं से नहीं है, ये आप आपके दिमाग में हो सकता है कंफ्यूजन, हम लोग के दिमाग में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। नीतीश जी इसके सूत्रधार है, इस विपक्षी एकता के सूत्रधार है नीतीश, उनके दिमाग में क्यों कंफ्यूजन होगा? आपने बयान बड़ा चर्चित बयान दिया था कि भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे, चाहे सही बात है, भाजपा के साथ क्यों जाएगी? भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है, धोखा देती है, पीठ में चूरा भोंकती है। सामने से लड़ने वाला बेहतर होता है कि पीठ में चूरा भोंकने वाला बेहतर होता है? भारतीय जनता पार्टी काम करती है जिस तरह जी। अरुण कुमार ने एक आप पे आरोप लगाया है, अरुण कुमार ने एक आप पे आरोप लगाया है, वो छोड़िए ना, किसी आप किसी अरे किसी भी आदमी को टूटपुंजिया आदमी की बात का जवाब हम नहीं देते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनको जो मन में आता है बोलते रहे। G20 सम्मेलन में जिस तरह से नीतीश जी पीएम से समय लेकर बात किया, उससे अन्य इंडिया के किसने कहा आपको कि नीतीश जी ने पीएम से समय लिया? आपको किसने कहा कि नीतीश जी ने पीएम से समय लिया था? नीतीश कुमार G20 सम्मेलन, फिर आप अपनी बात पर उनके साथ आप अपनी ओहो आप अपनी अरे भाई आप अपने बात पर कायम रहिए। आपने कहा कि नीतीश जी ने प्रधानमंत्री नहीं, समय नहीं, है। नहीं। उनके साथ समय जी नहीं, एक घंटा उनके साथ समय नहीं दिया। महामहिम राष्ट्रपति ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया था G20 के, जो नेता आए थे उन नेताओं के भोज में, उसमें नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रित किया था, और महामहिम राष्ट्रपति के निमंत्रण पर नीतीश जी वहां गए थे। प्रधानमंत्री जी से उनकी एक शब्द बातचीत नहीं हुई। आपको हो सकता है आप वहां हो तो आपको मालूम होगा कि एक घंटा बातचीत हुई।